एक तरफ चीन एलएसी पर तनातनी कर रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान सीमा पार से गोलीबारी और आतंकियों को भारत में भेजने की भरपूर कोशिश में जुटा है। ऐसे में ये दोनों मिलकर एक और कांड करने में लगे हुए हैं, जिसका खुलासा अब हुआ है। भारत ईरान अफगानिस्तान के चाबहार पोर्ट के कारण जब चीन पाक के ग्वादर बंदरगाह का भट्टा बैठ गया, तब चीन उस बंदरगाह को लेकर बड़ी साजिश रचने में जुटा हुआ है। बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर बंदरगाह के नजदीक चीन चोरी छिपे हाई सिक्योरिटी कंपाउंड बना रहा है और वो इसका इस्तेमाल नौसैनिक अड्डे के रूप में करेगा। एरोस्पेस और रक्षा पत्रिका फोर्ब्स मैगजीन की ओर से मिली जानकारी की माने तो ये हिंद महासागर में चीन की स्थिति को और मजबूत कर सकता है। हाल के सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि पिछले कुछ सालों में कई नए परिसर वहां बनाए गए हैं। उनमें से एक तस्वीर में चीन की कंपनी के बंदरगाह विकसित करने में दिख रहे हैं। इसके साथ ही कंपाउंड में वाहन रोधी बरम, सुरक्षा बाड़ और एक ऊंची दीवार है। संतरी पोस्ट और ऊंचा गार्ड टावर बाड़ और आंतरिक दीवार के बीच की परिधि को कवर करते हैं। ये सशस्त्र गार्डो की राइफल के साथ होने की संभावना को पूरी तरह से दर्शाता है। पाकिस्तान के तट पर पश्चिमी छोर पर मौजूद ग्वादर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में है। इससे पाकिस्तान होते हुए दक्षिण एशिया के चारों ओर चीन को सामान ले जाने में काफी मदद मिलती है। पहली बार जनवरी 2018 में चीन के एक नौसैनिक अड्डे की योजना बनाने की सूचना बाहर आई थी। गहरे समुद्र में स्थित और भारतीय सीमा के नजदीक होने के कारण इस बंदरगाह से चीन भारत पर निगरानी रख सकता है। अब चीन के नौसेना तैनात होने की यहां पर खबर है। चीन पहले ही भारत के दक्षिण पड़ोसी श्रीलंका के हबनटोटा और पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाहों पर भी अपनी आर्थिक मदद देकर अपना प्रभाव लगातार बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। चीन की इस चाल की वजह यह भी है कि ग्वादर ईरान से लगा हुआ है, जो कि भारत को कच्चे तेल का निर्यात करने वाला प्रमुख देश है। ग्वादर पर नियंत्रण बनाते ही चीन ईरान से भारत आने वाले कच्चे तेल की आपूर्ति में जब चाहे अड़ंगा डाल सकेगा। चीन का भी उद्देश्य जो हो, लेकिन उसके स्थान और समय से पता चलता है कि चीन बंदरगाह विस्तार में जुटा है। लेकिन इन सब के बीच भारत भी विपरीत स्थितियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।